हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में टॉपिक पढ़ेंगे लिंग और इसकी भेद। पिछले वीडियोस में हमने संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में और विशेषण के बारे में हमने जाना था। आज हम लिंग के बारे में जानेंगे और इसकी भेद के बारे में जानेंगे कि इसके कितने भेद होते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग और इसकी भेद और हम लिंग की पहचान के नियमों के बारे में जानेंगे कि इनकी पहचान के क्या नियम होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। यानी कि जिस रूप से स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे माताजी खाना बना रही है, तो यहाँ पे खाना कौन बना रहा है? माताजी बना रही है, तो माताजी क्या हुआ? स्त्रीलिंग। पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, तो यहाँ पे दफ्तर कौन जा रहा है? पिताजी जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो पिताजी हैं वो पुल्लिंग में है। राहुल खुशी से चिल्ला रहा है, राहुल कौन है? एक लड़का है, तो राहुल क्या हुआ? पुल्लिंग। मीता नाच रही है, मीता एक लड़की है, तो ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग। अब लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे नौकर काम कर रहा है, तो यहाँ पे नौकर क्या है? पुल्लिंग है, और ये नौकर पुल्लिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा? काम कर रहा है, और स्त्रीलिंग में नौकरानी काम कर रही है, तो यहाँ पे रहा है, रही है, रहा है पुल्लिंग में आता है और रही है स्त्रीलिंग में। तो यानी कि नौकर काम कर रहा है तो ये पुल्लिंग हुआ, नौकरानी काम कर रही है तो ये स्त्रीलिंग हुआ। अब लिंग के कितने भेद होते हैं, तो हम लिंग के प्रकार के बारे में जानेंगे कि लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग। अब सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में जानेंगे, पुल्लिंग की परिभाषा देखेंगे कि इसकी क्या परिभाषा होती है। तो पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पिता, नौकर, घोड़ा, अखबार, पेड़, घर, स्टेशन, सेठ, गधा, छात्र आदि, ये सब क्या है? ये सब को देखने से पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या हुआ? पुल्लिंग है। अब उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे सेठ जी रुपए गिन रहे हैं, तो यहाँ पे सेठ जी कौन है? एक आदमी है, तो ये क्या हुआ? पुल्लिंग। गधा बोझा ढोता है, तो ये भी पुल्लिंग है। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हम देखेंगे, जैसे जिन शब्दों के पीछे आ, पन, पा, अक आदि आता है वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे लड़का बचपन, बुढ़ापा गायक। अब इन सब में आ, पन, पा, अख शब्द के पीछे आ रहे हैं। जैसे लड़का में आ, बचपन में पन, बुढ़ापा में पा, गायक में अख आदि शब्द आ रहे हैं। मच्छर, कौआ, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश आदि जो क्या होते हैं? सदैव पुल्लिंग होते हैं। ये सब पुल्लिंग होते हैं, ये स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। अब पुल्लिंग शब्दों की हम पहचान कैसे करेंगे? आकारांत संज्ञाएं व अकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग माने जाते हैं। जैसे राम, बालक, सूर्य, घड़ा, चूना, धमाका, बुढ़ापा आदि। पर्वत, सागरों, देशों, महाद्वीपों के नाम भी प्राय पुल्लिंग में होते हैं। जैसे कि भारत, हिमालय, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। दिनों, महीनों व ग्रहों के नाम भी प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि जून, जुलाई, सोमवार, चंद्र, सूर्य आदि सब पुल्लिंग में हैं। धातुओं के नाम भी प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीतल, तांबा, सोना आदि। वृक्षों, फलों तथा अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे चना, गेहूं, नीम, आम आदि। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं।
यानी कि वो शब्द समान होते हैं जो स्त्री के लिए भी प्रयोग होते हैं और वो पुरुष के लिए भी प्रयोग होते हैं। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति स्त्री के लिए भी प्रयोग होता है और पुरुष के लिए भी। तो राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, स्त्री भी और पुरुष भी। प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, डॉक्टर स्त्री भी होती है और पुरुष भी होता है। इंजीनियर, खिलाड़ी, तो आदि शब्द जो हैं ये स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अब स्त्रीलिंग के बारे में हम जानेंगे कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं। स्त्री जाति का बोध करने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, यानी कि जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे दादी, सेठानी, घोड़ी, कुर्सी, छात्रा, लड़की, शेरनी, गाय, अध्यापिका आदि। ये शब्द क्या हैं? स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये शब्द क्या हुए? स्त्रीलिंग हुए। जैसे माँ कुर्सी पर बैठी है, तो माँ क्या है? स्त्रीलिंग है। नौकरानी झाड़ू लगा रही है, तो नौकरानी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं वो हम देखेंगे कि जिन शब्दों के पीछे स्त्रीलिंग में जिन शब्दों के पीछे ई, इया, आवट, आनी, आइन, इन आदि लगा हो तो वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे कि बोली, बोली में बड़ी की मात्रा है तो ये स्त्रीलिंग हुआ। डिब्बिया, डिब्बिया में लास्ट में इया है तो ये स्त्रीलिंग हुआ। सजावट में वट है, आवट है, तो ये स्त्रीलिंग है। महारानी में आनी है तो ये भी स्त्रीलिंग है। पंडिताइन में आइन है और धोबीन में इन है। तो जिन शब्दों के पीछे ये शब्द आते हैं वो सब स्त्रीलिंग शब्द में होते हैं। अब मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली आदि जो क्या हैं? सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, इनका कोई पुल्लिंग नहीं होता है, ये हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे? संस्कृत के अकारांत, इकारांत तथा उकारांत या उंकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लता, रमा, नदी, सरस्वती, सरयू, बालू आदि। नक्षत्रों, नदियों, झीलों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोहिणी, गंगा, यमुना आदि। तिथियों के नाम भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दूज, तीज, चौथ आदि। संस्कृत अधिकांश भाववाचक संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कटुता, इच्छा, सिद्धि, सरलता आदि। अब कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो लिंग बदलने पर पूरी तरह से ही बदल जाते हैं। जैसे भाई, भाई क्या है? पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग इसका क्या होगा? बहन, यानी कि यहाँ पे शब्द बदल गया। पिता, पिता का क्या हुआ? माता। विद्वान, विद्वान का विदुषी। बैल का गाय। ससुर का सास। साधु का साध्वी। ये जो लिंग है इनके बदलने पर पूरी तरह से बदल जाते हैं। अब शब्दों को हम लिंग परिवर्तन और किस तरह से करते हैं? जैसे कवि, कवि का होगा कवित्री। विद्वान का विदुषी। नेता, नेत्री। महान का महती। साधु का साध्वी। बालक का बालिका। घोड़ा, घोड़ी। छात्र, छात्रा। धोबी, धोबिन। हाथी, हातिन। लेखक, लेखिका। सेवक, सेविका। तो बच्चों, ये हमने आज लिंग का टॉपिक कंप्लीट किया और इसके भेद के बारे में हमने जाना और इनके पहचान के नियमों के बारे में हमने जाना। तो आपको ये लिंग का चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आपको हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।